क्या आप सुबह सुबह कभी किसी शादी पे गए हैं या फिर कभी आपने मुंह पे आटा मल के रंग गोरा करने की कोशिश की है? अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आपको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए क्योंकि आपने जहानत और मतानत की आला मंजिलों को पार कर लिया है। लेकिन इसमें आपका इतना कसूर भी नहीं है क्योंकि यही सब कुछ हम अपने टेलीविजन शोज पर देखते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस सब कॉन्टेंट की जो हम अपने शोज में दिखा रहे हैं और उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग शोज की। या सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सुबह सुबह इतना तैयार होकर आता है, कभी कोई लहंगा पहन के आ जाता है, कभी कोई शेरवानी पहन के आ जाता है, और वो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, इतनी महंगी होती हैं कि एक अपर मिडिल क्लास का बंदा भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आम पब्लिक को तो आप साइड पर रखें। ये देखें किस तरह तैयार होकर आ गई हैं, ये देखें किस तरह नाच रहे हैं सुबह सुबह। आई डोंट थिंक सो कि आम लोग जो हैं वो सुबह सुबह नाचते हैं। हम तो यूजली काम पर जाते हैं या कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। कभी जो है किसी बच्चे की बर्थडे मनानी शुरू कर देते हैं। बच्चे की बर्थडे में ऐसे ऐसे आप लोग सेट्स लगाते हैं, ऐसा ऐसा आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि एक आम पब्लिक का बंदा दूर दूर तक नहीं सोच सकता। आप उनको क्या दिखा रहे हैं, एक ऐसा ख्वाब जो वो कभी हासिल नहीं कर सकते। क्यों आप बच्चों की सोच जो है उसको पल्यूट कर रहे हैं? आप हर किसी का माइंड सेट चेंज कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं हमारे गेम शोज के ऊपर, जहाँ पे वॉशिंग मशीन या फिर माइक्रोवेव ओवन या फिर एक 70cc बाइक के लिए आप मुहज़्ज़ब लोगों को नचा रहे हैं। कभी आप किसी बुजुर्ग को नागिन डांस करा रहे हैं, कभी आप किसी को कह रहे हैं कि बिल्ली की आवाज़ निकाले, कुत्ते की आवाज़ निकाले, और कभी कभी आप उसके हाथ बांध के या तो तरबूज के अंदर मुँह दे देंगे या किसी और खाने की चीज़ के अंदर मुँह दे देते हैं कि वो हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, तब आपको जाके कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। यानी कि आप अपनी TRPs के लिए एक शरीफ इंसान या एक मिडिल क्लास का इंसान जो है उसकी इज्जत नफ्स को पूरी दुनिया के सामने मजरूह कर रहे हैं। और उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिन शोज में यह सब नहीं हो रहा, जो कि मुहज्जब लोगों को बुला रहे हैं और सब कुछ अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, उनकी TRPs जो है वो है लो। अब इसमें किसका कसूर है, आपका या उनका जो ये बना रहे हैं, इसके बारे में भी आप जरूर सोचिएगा। तो आपने देखा कि टेलीविजन पे लोगों के साथ क्या हो रहा है। अब आप कॉमेंट्स करें और सजेशंस दें, इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि मीडिया पे क्या दिखाया जाए जिसकी वजह से सोसाइटी में बेहतरी आए और सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। आपकी सजेशंस और कमेंट्स के साथ अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।